तर सलामीची जोडी देखील ज्या प्रकारे मैदानामध्ये दाखल झाली, दोन्ही ताकदवर बॅट्समन तेवढाच ताकदीचा अनुभव असलेला गोलंदाज, चार ओव्हरची मॅच आहे, लेट्स प्लेचा इशारा, बॉलर सज्ज होते, फॉर द विकेट। यावेळेस पहिला बॉल आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु पंचांचा इशारा येईल, येस इट इज अ व्हाईट। अवांतर धाव देखील यावेळेस आमच्यापर्यंत दर्शवली जाते, पंच जय पवार सरांच्या माध्यमातून एक नामांकित पंच आहेत भारत टेनिस बॉल क्रिकेट जगतातील। यावेळेस देखील चेंज ऑफ पेस, गती थोडीशी कमी केली आणि याचं प्रात्यक्षिक तुम्ही पाहिलं असेल बाईच्या रूपाने एक रन देखील यावेळेस मात्र जरूर मिळतोय। बॉलर पण एकदा सज्ज होते, यावेळेस देखील धीमे गतीने चेंडू स्वार केला, उंची थोडीशी कमी होती आणि याचं प्रात्यक्षिक डॉट बॉलची समाप्ती देखील तुम्ही पाहिली असेल। एक नेत्री दीपक हे आयोजन देखील तुम्हाला पाहायला मिळते। यावेळेस देखील स्ट्रेट ड्राईव्ह केला जातोय, फटका बेमिसाल, पंचांचा इशारा येतोय, बॅट्समन उदय तांडेलच्या बॅट मधून निघाला जातोय, हा एक दर्जेदार चौकार। त्रिवेद स्पर्धेच्या निमित्ताने देखील तुम्ही ज्या टी शर्ट्स पाहतायत, रंगबेरंगी जर्सीज आणि संपूर्ण जो ड्रेस कोड आहे प्रत्येक टीमचा, तो तुम्हाला सर्वांचे लाडके व कार्यसम्राट युवा तरुण तडपदार नगरसेवक आदरणीय सूरजजी बाळाराम पाटील यांच्या माध्यमातून देखील पुरस्कृत केलाय। यावेळेस देखील लॉंग अँड स्ट्रॉंग एक ब्युटिफुल स्ट्रोक आलाय, लांबलचक षटकार, टीमची धावसंख्या आतापर्यंत स्कोरबोर्डवर लागली जाते 12 रन। ज्या प्रकारे महाराष्ट्र राज्यामध्ये विकसित आणि समृद्ध शहर बनण्यामागे नवी मुंबईने वेग घेतला होता, त्याच प्रकारचा वेग यावेळेस बॅट्समन उदय तांडेल आपल्या टीमसाठी धावांसाठी घेतोय। बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होईल, स्टेप आउट करण्याचा प्रयत्न होता, आडव्या बॅटने फटका खेळला जातोय, चेंडू जाईल डीप मध्ये, पंचांचा इशारा येतोय, चौकार, टीमची धावसंख्या आतापर्यंत स्कोरबोर्डवर लागली जाते 16 रन 16। एका ओव्हरचा खेळ, शेवटचा एक बॉल आतापर्यंत शिल्लक असेल। बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होईल आपल्या बॉलिंग मार्कवर, यावेळेस देखील फटका चांगला आहे परंतु फिल्डर तैनात आहे, चांगली फिल्डिंग होईल, लॉंग अपचा फिल्डर त्या ठिकाणी तैनात होतोय, चेंडू जज करेल, फेकेल तोपर्यंत 17 रन आतापर्यंत कंप्लीट होतात। एका ओव्हरचा खेळ देखील झाला, एका ओव्हरच्या अखेरीस टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 17 रन, स्कोरबोर्डवर लागल्या जात आहेत। बॅटिंग करत असताना टीम 5656 तेजस रायडर्स संघ जाऊन पोहोचला जातो, आतापर्यंत बिनगडी बाधा 17 रन, एक चांगला फ्लाइंग स्टार्ट देण्याचा प्रयत्न या दोन्ही सलामीवीर फलंदाजांच्या माध्यमातून देखील तुम्ही पाहिलं असेल। एक ओव्हरच्या अखेरीस देखील धावफलकावर 17 धावा आतापर्यंत धावफलकावर देखील लागल्या जातात। बॉलिंग मार्कवर देखील बॉलरला आमंत्रित केले गोलंदाज
अनिल तांडिल, यावेळेस देखील मोठा हिट करण्याचा प्रयत्न होता परंतु चेंडू आणि पैसा संपर्क तुटला जातोय, लाईन मिस केली। आपल्या मेगा स्क्रीनवर तुम्ही पाहू शकाल आमचे कॅमेरामॅन माही त्यांच्या माध्यमातून आपण पाहिलं असेल ज्या प्रकारे एक हेलिकॉप्टर देखील जाताना आपण पाहिलं आणि आमचा कॅमेरामॅन माही देखील सातत्याने ज्या प्रकारे तो खेळतो त्याच्या टीममध्ये त्यावेळेस देखील हेलिकॉप्टर स्ट्रोक सर्वाधिक त्याला पसंत आहे। एक चांगला कॅमेरामॅन आहे, आज तब्बल 4 वर्ष होतात। एक चांगलं प्रात्यक्षिक तुम्ही पाहिलं असेल बॉलर बॅक टू ड्राईव्ह आणि कौतुक करावं लागेल बॉलर अनिल यांचं देखील कारण की वय वर्ष 40 ओलांडल्यानंतर देखील यंगस्टार सारखी खेळी त्यांच्या माध्यमातून देखील तुम्हाला सातत्याने पाहायला मिळते। बॉलर पण एकदा सज्ज होतील, वेळ तुम्ही जास्त प्रमाणामध्ये दौडू नका। आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता परंतु डॉट बॉलची समाप्ती देखील आपल्याला पाहायला मिळते। दुपारचं सत्र आहे, उन्हाचा कडाका जास्त प्रमाणामध्ये आहे आणि आता इथे त्या उन्हामध्ये आपल्याला चांगला खेळ करायचा आहे आपल्या टीमच्या विजयासाठी। या बेस देखील बॅटच्या रनर मध्ये आलाय, फटका चांगला आहे ऑन साइडला, पंचांचा इशारा येतोय बॅट्समन नीरजजी रनावत यांच्या बॅटमधून। हा एक धमाकेदार स्फोटक फटका षटकार। टीमची धावसंख्या आतापर्यंत स्कोरबोर्डवर 25 रन, यानंतरचा सामना यावेळेस देखील शॉर्ट ऑफ लेंथ बिरकावून दिलाय थेट डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईन पलीकडे हा षटकार। आणि ज्या प्रकारे मागच्या मॅच मध्ये देखील मॅन ऑफ द मॅच राहिलेत, या मॅच मध्ये जर चांगली कामगिरी त्यांच्या माध्यमातून होते, टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड स्पोर्ट्स शॉपचे ते ओनर देखील आहेत आणि या स्पर्धेसाठी प्रत्येक मॅन ऑफ द मॅचला कॅशबॅक म्हणून 200 रुपयाचं वाउचर देखील त्यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत केले। यानंतरची मॅच असेल 83-83 राजे आणि त्यांच्या विरुद्ध मध्ये गावदेव फायटर, या दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण टॉस साठी यायचा आहे। फिल्डिंग चांगली होईल फिल्डरच्या माध्यमातून, तोपर्यंत फेकी थोडीशी गचाळ राहिली, ही रणनीती आखली होती आणि ही रणनीती सफलरित्या यशस्वी देखील करतायत। टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 33, 2 वर्ष खेळ देखील होते, 2 वर्ष अखेरीस धावफलकावर धावा लागल्या जात आहेत। 33 रन। तर वेळ तुम्ही जास्त प्रमाणामध्ये दौडू नका, आम्ही वारंवार आपणास विनंती करतोय की आपल्याला 20 मिनिटांचा कालावधी दिला जातोय कारण ही स्पर्धा तुमच्या आमच्या सर्वांची आहे, सारसोई गावातील प्रतिष्ठेची असलेली स्पर्धा।
तर बॉलिंग मार्कवर देखील अभिमन्यू नामक बॉलरला देखील आमंत्रित केले ओवर क्रमांक तिसऱ्यासाठी। फोर्टी प्लस से खेळाडू आहेत आणि ज्यांच्या समोर देखील फोर्टी प्लस से खेळाडू आहेत बैटिंग साठी देखील उदयजी तांडेल। ज्या प्रकारे बॅट्समन ची जोड़ी तुम्ही पाहताय की एक नामांकित पंचांची ती जोड़ी देखील आहे। वे तुम्ही जास्त प्रमाणामध्ये दौडू नका अभिमन्यू सर। यावेळेस देखील मोटाईट करण्याचा प्रयत्न होता लॉन्ग ऑफच्या दिशेने फिल्डर तैनात आहे चेंडू जज करेल तोपर्यंत एकी रन यावेळेस कंप्लीट देखील केली। एकेरी धावसंख्येनंतर टीमची धावसंख्या पुढे सरसावली जाते टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 34 रन 34 रन आतापर्यंत होत आहेत या स्कोरबोर्डवर देखील। सारसोई प्रीमियर लीग 2020 या वेस देखील पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतो यस लेगस्टिकचा थोडासा बाहेर इट इज अ व्हाईट या वेस देखील आतापर्यंत बॅक टू बॅक दोन चेंडू हे अवांतर स्वरूपाचे मात्र जर रिलीज केलेत बॉलर अभिमन्यू सरांच्या माध्यमातून। टीमची धावसंख्या आतापर्यंत स्कोरबोर्डवर 37, 36 यावेळेस देखील आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता फटका बेमिसाल पंचांचा इशारा एक दर्जेदार स्ट्रोक येतोय चौकार। टीमची धावसंख्या आतापर्यंत स्कोरबोर्डवर लागली जाते ती म्हणजे 40 रन। बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होतोय यावेळेस देखील मोटाईट खेळण्याचा प्रयत्न होता चेंडू फळीचा संपर्क तुटलाय अभिषेकच्या थोडासा बाहेर होता एक रन यावेळेस कंप्लीट केली दुहेरी धावेचं प्रात्यक्षिक। टीमची धावसंख्या देखील आतापर्यंत 41 41 रन आतापर्यंत होत आहेत। एक मोठं टार्गेट सेट करण्याचा प्रयत्न आहे बॅटिंग करणाऱ्या टीमच्या माध्यमातून। यावेळेस देखील स्ट्रोक चांगला आहे बॉटमॅनचा चांगला वापर झाला मिस फिल्डिंग गंमत झाली त्याची किंमत मोजावी लागेल फिल्डिंग करणाऱ्या टीमला चार धावांची। टीमची धावसंख्या आतापर्यंत स्कोरबोर्डवर लागली जाते 45 45 रन आतापर्यंत होत आहेत। यावेळेस देखील ऑफस्टिकच्या थोडासा बाहेर होता फटका चांगला आहे फिल्डर पुन्हा एकदा चेंडू खाली येईल थोडासा फंबलिंग झाला परंतु तोपर्यंत दोन रन देखील यावेळेस कंप्लीट केल्यात। दोन ओव्हरच्या नंतर टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 47 47 रन एखाद्या युद्धामध्ये आपण पाहत असाल की AK-47 नावाचं शस्त्र वापरलं जातं जलद गतीने त्या शस्त्रामधून गोळ्या वेगाने स्वार होतात परंतु जर तुम्हाला टार्गेट मोठं करायचं असेल तर या 6 बॉलमध्ये देखील तुम्हाला धावांचा वेग हा मात्र जर वाढवावा लागेल।
तर शेवटचं एक षटक अजूनपर्यंत शिल्लक असेल. बॉलिंग मार्कवर टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 47. एक चांगली मोठी पार्टनरशिप पाहायला मिळेल की काय. गोलंदाज चिराग मेहर, चिराग वैती. चिराग वैतीला देखील यावेळेस आमंत्रित केले बॉलिंग मार्कवर. एक नवयुवक खेळाडू देखील आहे आणि अशाच स्पर्धा ज्या ज्या वेळेस गावामध्ये भरवल्या जातात त्या त्या वेळेस अनेक नवे चेहरे हे प्रत्येक गावाला लाभत असतात. त्यामधून काही खेळाडू तारे सितारे देखील बनतात टेनिस बॉल क्रिकेटच्या अनेक स्पर्धांमध्ये. चिराग वैती बॉलिंग मार्कवर देखील आमंत्रित केले या शेवटच्या ओव्हरसाठी. आतापर्यंत 47 धावांची पार्टनरशिप. यावेळेस पहिल्याच बॉलवर यू मिस डेफिनेटली हिट. वेग बेताचा होता वेद यष्ट्यांचा झाला. बॅट्समन नीरजजी रनावत यांना दिला जातोय परतीचा इशारा. पहिल्या बॉलवर मिळाली जाते सफलता बॉलर चिराग वैतीला. जर विकेट हॅट्रिक घेतली तर 500 रुपयाचं पारितोषिक असेल विघ्नेश मडवी यांच्या माध्यमातून बॉलर चिराग वैतीला. तर यानंतरची मॅच आहे गावदेवी आणि त्यांच्या विरुद्ध मध्ये 83 राजे. गावदेवी फायटर आणि 83 राजे या टीमचे कॅप्टन. आपण याचा टॉस साठी कपिलजी पाटील आणि त्यांच्या विरुद्ध मध्ये यावेळेस देखील मोठा इट खेळण्याचा प्रयत्न. फिल्डर येईल जजमेंट चुकल्यानंतर. 2 रन आतापर्यंत कंप्लीट केल्यात. सत्तेच्या जवानची एक चांगली पार्टनरशिप आपल्याला पाहायला मिळाली. बॅट्समन उदय तांडेल असतील नीरजजी रनावत यांच्या माध्यमातून. परंतु बॉलिंग मार्कवर मैदानामध्ये दाखल झाल्यानंतर तो पहिला चेंडू रिलीज केला बॉलर चिराग वैतीने. न्यू बॅट्समन विराज तांडेल. पिता पुत्र मैदानामध्ये दाखल होत आहेत काही करण्यासाठी. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू पहीचा संपर्क तुटलाय. डॉट बॉलची समाप्ती होते. यावेळेस देखील बॅटच्या रनर मध्ये आला होता. फिल्डर तैनात आहे परंतु 2 फिल्डर हा चेंडू जज करण्यासाठी येत आहेत. परंतु टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 50 रन. अर्धशतक कंप्लीट होत आहे. टीम 5-6 तेजस रायडर्स या टीमच्या दरम्यान. चेंडू शिल्लक असतील या ओव्हर मधले. 2 चेंडूंचा खेळ आतापर्यंत शिल्लक आहे या सत्रातला. यावेळेस देखील मोठा हिट करण्याचा प्रयत्न होता. फुलटॉस पद्धतीचा बॉल होता. बॅटचा टॉयचा वेद घेतलाय तोपर्यंत. एक रन यावेळेस कंप्लीट केली. शेवटचा एक बॉल शिल्लक असेल. टार्गेट सेट करणारा बॉल या इनिंग मधला. जर या बॉलवर विकेट घेतला तर 100 रुपयाचं पारितोषिक विघ्नेश मडवी यांच्या माध्यमातून बॉलर चिराग वैतीला. यावेळेस देखील फटका चांगलाय या शेवटच्या बॉलवर. एक मोठा हिट आलाय. क्रिकेट इन विश्वामध्ये या बॉलला कधी माफी नसते. फुलटॉस पद्धतीचा बॉल होता आणि सरळ हा षटकार. या शेवटच्या बॉलवर रन आल्या त्या म्हणजे 7. टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 57 रन आणि 58 धावसंख्येचा टार्गेट असेल येणाऱ्या 4 ओव्हर मध्ये.
अर्जुन आलन है। हेलो, टॉस के लिए आना है। 8383 राज्य के कैप्टन कुणाल पाटिल और टीम गावदेवी फाइटर के कैप्टन कपिल पाटिल, टॉस के लिए आइए। जल्द से जल्द आखिरी कॉल है प्लीज। एक इनिंग हो चुका है, लगातार आपसे अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि टॉस के लिए आना, आइए प्लीज जल्द से जल्द। कुणाल पाटिल और कपिल जी पाटिल, टॉस के लिए आइए प्लीज। टारगेट 58 इस मुकाबले में। पहले बैटिंग करते हुए केवल एक विकेट गवाया 5-6 तेजस राइडर की टीम ने और जबरदस्त बैटिंग की वहां पर नीरज रनौत सर ने और साथ ही साथ उदय तांडेल जी ने। 24 रनों की पारी, 19 रनों की पारी और जाते जाते विराज तांडेल ने बिना विकेट गवाया अपना 9 रन नॉट आउट रहे। टोटल स्कोर 57, टारगेट 58, 4 ओवर का मैच, लक्ष्य 24 गेंदे 58। सारसोले प्रीमियर लीग 2020 आप देख रहे हैं SPL, स्वागत है आप सभी का। और SPL में ये आज के दिन का लीग का सेकेंड लास्ट मुकाबला, इसके बाद आखिरी मैच खेला जाएगा गावदेवी फाइटर और 8383 राज्य। टॉस के लिए आना है। टॉस के लिए आना है कुणाल पाटिल और कपिल पाटिल, जस्ट जल्द टॉस के लिए आए। कैप्टन कुणाल पाटिल, शॉट अच्छा, ओहो डाइव लगाकर कैच पकड़ने का प्रयास था। मिड ऑन के फील्डर ने अच्छा एफर्ट दिखाया, कोशिश अच्छी थी। ऋषिकेश वहां पर फील्डर मौजूद थे, अच्छा एफर्ट। खुद नीरज रनौत सर वहां पर तारीफ करते हुए इस एफर्ट के लिए। पावर प्ले सिंगल के साथ गणेश पडवी ने अपना खाता खोला। अब तक बल्ला शांत है, थोड़ा सा इंजरी से जूझ रहे और कोशिश होगी जाते जाते एक अच्छी पारी खेलकर जाए, ताकि जो सीजन स्टार्ट हुआ है NM नवी मुंबई ग्रामीण क्रिकेट का उसमें एक अलग कॉन्फिडेंस मिले इस खिलाड़ी को। गणेश होंगे स्ट्राइक पर, अच्छी गेंद, अच्छी लाइन, अच्छा टप्पा, लेंथ अच्छा और गेंद को प्लेस किया। बॉलर बैक टू ड्राइव सीधा, नीरज रनौत सर ने अपने फॉलो थ्रू के जरिए गेंद को स्टॉप किया। एक बार फिर रनअप पर जाते हुए गेंद फेंकने के लिए तैयार। पावर प्ले टारगेट है 58 का। ये मैच डू ए डाई मैच है, खासतौर पर फील्डिंग टीम के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर इस बार स्क्वायर कट करना चाहते थे, लेकिन जय पवार सर का इशारा था हुआ, इट्स कॉल्ड वाइट, यानी खराब गेंद होगा। एक रन जुड़ेगा बैटिंग टीम के खाते में। सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 2 पर। अब तक बल्ले से एक रन आया और एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा रन के तौर पर टीम का टोटल स्कोर 2 विदाउट लॉस। टारगेट 58, इंपॉर्टेंट मैच। अगर ये मैच जीतेगी फील्डिंग टीम यानी 5-6 तेजस राइडर, तो इस प्रतियोगिता में बरकरार रहेंगे। इस बीच ऊपरी किनारा, गली और थर्डमैन के खिलाड़ी एक दूसरे का खाली चेहरा देखते रह गए। अगर बॉल देखते तो शायद ये कैच पकड़ा जाता था। जीवन रन मिला और गणेश का कैच ड्रॉप हुआ है। कैच तो छूटा, साथ ही साथ 2 रन भी गवाया वहां पर फील्डिंग टीम ने। यहां पर एक सफलता मिल सकता था बॉलिंग टीम को। स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 4 पर। कॉलिंग काफी महत्वपूर्ण होता है, जिस तरह इंटरनेशनल में लेदर क्रिकेट हम खेलते हैं, कोचिंग में वहां पर कहा जाता है जब भी आप कैच पकड़ने ले जाए तो एक आवाज आता है इट्स माइन, यानी ये मेरा कैच है। जब तक आप एक दूसरे को कॉल नहीं देंगे, एक दूसरे का चेहरा देखते रहेंगे, तब तक गेंद ऊपर जाएगी और कब नीचे आकर टप्पा खाएगी तब तक आपको पता नहीं चलेगा। गेंद पूरी तरह बल्ले पाया नहीं, मिड ऑन पे फील्डर है, मिस फील्डिंग एक बार फिर, खराब फील्डिंग मैं कहूंगा। अगर आप इस तरह फील्डिंग करेंगे
मैच जीत भी जाते तो आने वाले समय के लिए फिर आपके लिए मुश्किलें बढ़ती आएगी। और ये पहली बार नहीं हुआ जब पावर प्ले में नीरज रनाव सर बॉलिंग करे और फील्डिंग मिस फील्डिंग हो और ठीक उसी दिशा में एक बार फिर खराब फील्डिंग। यहाँ पर ध्यान देना होगा विराज तांडेल को कि अपने सबसे अच्छे खिलाड़ी को वहां पर तैनात करना होगा क्योंकि ये पावर प्ले चल रहा है। पावर प्ले में अगर थोड़ी भी गलती होगी तो चौका जाएगा क्योंकि आउटफील्ड काफी तेज है इस रामलीला के मैदान की बात करें तो। स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा आप 8 पर 8। शॉट अच्छा है, शॉट लाजवाब इस बार, कवर के ऊपर से खेला है, सुपर से भी ऊपर। अंपायर जय पवार सर का इशारा था, व्हाइट इश लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला हुआ, एक खूबसूरत शानदार धमाकेदार चौका। कुल स्कोर बढ़ता हुआ 12। कैच छोड़ा है और यहां से अब जितने भी रन बनाएंगे यहां पर चुटता हुआ नजर आएगा, मुश्किलें पैदा करेगी फील्डिंग टीम के लिए। गणेश का कैच ड्रॉप हुआ इस ओवर में। इस बार मौका है उदय तांडेल जी गेंद के नीचे और इस बार गलती नहीं करेंगे। गलती किया गणेश ने, एक जीवन दान मिला था लेकिन बार बार नहीं मिलेगा, आउट होंगे। पहला झटका लगता हुआ 12 के स्कोर पर। कुणाल पाटिल टॉस के लिए, कुणाल पाटिल 8383 राजे। कोई भी खिलाड़ी अगर मेरी आवाज आप तक पहुंची तो प्लीज कप्तान को भेजे टॉस के लिए, यह आखिरी कॉल होगा क्योंकि कपिल पाटिल जो गांधी फाइटर के कप्तान यहां पर उपस्थित है। आखिरी 2 मिनट का समय, टॉस के लिए आया अन्यथा 2 रन की पेनल्टी। राजो की तरफ से सूचना मैं आपकी तरफ लेकर आ रहा हूं। स्वागत है आप सभी का दोपहर के सत्र में सारसोली प्रीमियर लीग एसपीएल। पहली दफा यहाँ पर एसपीएल का आयोजन, पूरा सारसोली गांव खेलेगा और वही होता हुआ और सभी एकत्र होकर एक ही टीम में एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए। टी शर्ट स्पॉन्सर आप देख रहे हैं जो जर्सी ट्रैक और जर्सी पहने हुए सभी 6 टीमों के रंग बिरंगी जर्सीज, उसका पूरा श्रेय जाएगा हमारे स्पॉन्सर कार्य सम्राट विद्यमान नगर सेवक विकास पर्व, हम सभी के लाडके, हम सभी के चहेते आदरणीय सम्मानीय सूरज बालाराम जी पाटिल, सूरज दादा की तरफ से स्पॉन्सर टी शर्ट दिया गया। नए बल्लेबाज नंबर 3 पर आया बैटिंग करने गुलशन मड़वी, टीम के ओनर। इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक था, वहां पर विराज फील्डर मौजूद है, केवल 1 रन। बली आए बॉलिंग मार्क पर, जी बिल्कुल बली आए बॉलिंग मार्क पर, उनकी पहली गेंद पर सिंगल। स्कूल स्कोर बढ़ता हुआ 13। गुलशन मड़वी आए, टीम के संघ मालक, टीम के ओनर है और पिछले मैच में अच्छी बैटिंग की थी, 3 सिक्स इन्होंने लगाया था पिछले मैच में। अच्छी गेंद इस बार, तेज गति की थी, फुल लेंथ डिलीवरी थी, ऑनसाइड की दिशा में खेलने का प्रयास था और गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। रमेश माथे सर का इशारा था, लेग बाई यानी एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर बोर्ड में होता हुआ वृद्धि, बढ़ती का नाम जिंदगी। 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ, कुल स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 14 रन 14 रन। चलिए फाइनली कुणाल पाटिल आते हुए, काफी अनाउंसमेंट के बाद यहां पर उपस्थित। बली ओवर द विकेट, लोअर फुल टॉस की गेंद, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, बल्ले का सिर्फ निचले क्रम पर गेंद लगा, बॉटम हिस्से पर गेंद लगता हुआ। दोनों कप्तान यहां पर उपस्थित, कुणाल पाटिल और जो कि 8383 राजे। शॉट अच्छा इस बार, बिल्कुल सीधा खेला है, पीछे विराज मौजूद, लंबा सफर तय कहते हुए लॉन्ग ऑन से दौड़कर लॉन्ग ऑफ की तरफ जाकर गेंद को थ्रो किया। अच्छी फील्डिंग विराज के द्वारा, एक एग्जांपल सेट करते हुए एज ए कैप्टन यंगस्टर किस प्रकार टीम को लीड करना है, टीम को बैक करना है और वही करते हुए अब तक। स्ट्रोक अच्छा, रन मिलेंगे 2 लेकिन बढ़िया फील्डिंग भी हुई वहां पर। कुल स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा अब 16 रन 16 रन। इसके बाद लीग का आखिरी मुकाबला होगा गांव देवी फाइटर वर्सेज 8383 राजे, एसपीएल लीग का आखिरी मुकाबला ठीक इसके बाद।
बाबूजी मेयर स्टेज पर आए बाबूजी मेयर। इस बीच ये गेंद डॉट बॉल, नरेश जी राव जो हमारे 40 पेस खिलाड़ी हैं, जो हर्ष रॉयल की टीम में सबसे अच्छा खेलते हुए अच्छी बॉलिंग की इन्होंने, उनके सुबहतों से टॉस होता हुआ लीग का आखिरी मैच का। मिस टाइमिंग स्ट्रोक, पूरे श्रृंखला में पूरी प्रतियोगिता में गणेश मडवी का बल्ला शांत रहा है, उसके पीछे भी वजह थोड़ी सी इंजरी से जूझ रहे, लेकिन फिर भी यहाँ पर एसपीएल खेलते हुए टॉस जीता गया। यहाँ पर गावदेवी फाइटर के कप्तान कपिल जी पाटिल ने टॉस जीता, देखना जो भी निर्णय होगा हमारे बीच लेकर आएंगे। फील्डिंग करने का निर्णय, धन्यवाद शुक्रिया। तो गावदेवी फाइटर की टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। तो दो ओवर का खेल हो चुका है पूरा, दो ओवर के खेल के बाद कुल स्कोर हुआ है 17 रन 17 रन, लॉस ऑफ वन विकेट, एक ही विकेट गिरा जो गिरा था गणेश का। ओवर नंबर 3 देखना कौन फेंकने आएगा, और बॉलिंग करने आते हुए कॉलेज सारसोले गांव एंड से विराज तांडेल मेरे ख्याल से बॉलिंग करेंगे। जी बिल्कुल, प्रॉपर 4 बॉलर के साथ बॉलिंग यूनिट ये इस स्क्वाड में। इस टीम ने कमबैक इसलिए किया कि उदय तांडेल का बल्ला चले लगा, इस टीम ने कमबैक इसलिए किया नीरज राणा जैसे ऑलराउंडर खिलाड़ी, इस टीम में दिग्गज खिलाड़ी, उनका परफॉर्मेंस और निखरता गया और अच्छा प्रदर्शन होते गया। विराज तांडेल लगातार अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन करते हुए, यंगस्टर अच्छा करते हुए, जिसकी वजह से 2 मैच हारने के बावजूद अभी भी इस प्रतियोगिता में बनी हुई है टीम, मौका है। अगर ये मैच जीतेगी तो निश्चित तौर पर फिर और इंटरेस्ट बढ़ेगा, रोमांच और बढ़ेगा सारसोले प्रीमियर लीग का, क्योंकि 4 टीमों की बात करें तो अब तक पहले पोजीशन पे जय मल्लार वॉरियर्स, गावदेवी फाइटर, उसके बाद हर्ष रॉयल, फिर बात करें तो टीम 5656 तेजस राइडर, उसके बाद 8383 राजे पोजीशन पे, और आखिरी स्थान पर है ओम साई राम किंग एकदम आखिरी पोजीशन पे। ऑफ टर्न के बाहर शुरुआत, दिशा और दशा दोनों ही खराब, व्हाइट के साथ ओवर की शुरुआत, जय पवार सर का इशारा होता हुआ इट्स कॉल्ड व्हाइट, यानी तीसरे ओवर की पहली गेंद होगी खराब, स्कोर बढ़ेगा 1 रन के मदद से, स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 18 रन 18 रन पे। विराज राउंड द विकेट, लोअर फुल टॉस की गेंद, अच्छा स्ट्रोक, डाउन द ग्राउंड खेला हुआ स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी एक बार फिर मिस फील्डिंग हुआ, लेकिन बैकअप इस बार अंत भला तो सब भला, राहत की सांस लेंगे विराज की वहां पर बैकअप मौजूद था, अगर वहां पर कोई बैकअप नहीं होता तो यह भी लगभग चौका हो सकता था। अच्छी फील्डिंग, स्कोर बढ़ता हुआ इस 2 रन की मदद से जा पहुंचा 20 पर। विराज वर्सेस गणेश मडवी, काफी सारा क्रिकेट एक दूसरे के खिलाफ खेल चुके, स्ट्रॉन्ग और वीकनेस, ताकत और कमजोरी पता है। इस बार मौका सीधा गोदी में, होम डिलीवरी, जिस तरह पिज्जा घर में आता है उसी प्रकार ये गेंद सीधा फील्डर के झोली में, बैट्समैन होंगे आउट, कवर पॉइंट पे एक अच्छा कैच और मिल गई सफलता, वे आउट गणेश मडवी, और इसी के साथ उनका एक जर्नी एसपीएल सीजन 1 का समाप्त होता हुआ एज ए बैट्समैन, विकेट गिरता हुआ उनका और आउट होंगे गणेश मडवी टीम के कप्तान, और बड़ी कामयाबी, कैप्टन वर्सेस कैप्टन और बॉलर कैप्टन ने यहां पर बारी बाजी, विराज उदय तांडेल। फुटबॉल खिलाड़ी आया अभिमन्यु वैती बैटिंग करने नंबर 4 पर, गुलशन की जोड़ी और अभिमन्यु, अब ये दोनों मैदान के अंदर। विराज लगातार फील्डिंग की सजावट करते हुए, 40 प्लस खिलाड़ी के लिए फील्डिंग की सजावट देख सकते हैं, विकेट कीपर के स्थान पर उदय तांडेल, लगातार फील्डिंग में परिवर्तन, शॉर्ट थर्डमैन, शॉर्ट फाइन लेग, फिर उसके बाद डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, वाइडिश लॉन्ग ऑन, जो ठीक काउ कॉर्नर के बीचों बीच खड़े हुए, एक सटीक बिल्कुल साइड सीन के बिल्कुल बगल में खड़े हुए खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ, फुल टॉस की गेंद थी, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद जाता हुआ इस बीच डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद है, तेजी के साथ गेंद तक पहुंचते हुए 1 ही रन मिलेगा, खाता खोला 40 प्लस खिलाड़ी अभिमन्यु वैती ने, सिंगल की मदद से कुल स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 21 टीम का स्कोर। विलास तांडेल अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन, लीड करते हुए टीम को,
बल्ला जोर से घुमाया, लेकिन सिर्फ ये बल्ला जोर से घुमा, गेंद तब तक निकल चुकी थी विकेट कीपर के हाथों में। स्विंग एंड मिस डॉट बॉल, अच्छी लाइन टप्पा, अच्छा अच्छी बॉलिंग लगातार डॉट बॉल के जरिए प्रेशर बिल्ड करते हुए सामने वाली टीम के ऊपर, जिसकी वजह से बल्लेबाज फिर बड़े स्ट्रोक खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवाता हुआ। ओवर की अगली गेंद राउंड द विकेट, एक और लाजवाब तेज तरार फेंकी हुई गेंद, कोई जवाब नहीं था गुलशन के पास, सिर्फ ऐसा लग रहा मानो विराज और पिताजी मैच खेल रहे हो। इस बीच बल्ले पे गेंद लग नहीं रही है, विराज बॉलिंग कर रहे हैं और गेंद तो विकेट कीपर के पोजीशन पे खड़े होकर पकड़ रहे हैं वहां पर उदय जितांडे। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 21 पर, ये तीसरा ओवर, इसके बाद एक ओवर ही शेष है इस इनिंग का, एक ही रन मिलेगा आंसर की दिशा में। अब तक देखना क्या दो की मांग होगी, कॉल तो दिया है लेकिन मुश्किल है वहां पर दो रन। चलिए अब तक एक रन लिया गया और शायद इस गेंद पर एक ही रन मिलेगा, कुल स्कोर बढ़ता हुआ आप जा पहुंचा 22 पर 22। ओवर की समाप्ति, स्ट्राइक रखेंगे अपने पास, तीन ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर हुआ 22, लॉस ऑफ 2 विकेट यानी 2 विकेटों के नुकसान के बाद टीम का स्कोर है 22। चलिए एक संघ मालक यानी ओनर आउट हुए थे, दूसरे ओनर मैदान के अंदर, रुपेश तांडेल, शशि तांडेल राउंड द विकेट। अच्छी गेंद, इस बीच उंगली गड़ी हुई, हल्की अपील हुई थी और रुपेश तांडेल आए, रुपेश तांडेल जाते हुए, और एक बार फिर शशि तांडेल इज ऑन ए हैट्रिक, क्या एक बार फिर हैट्रिक पूरा करेंगे, अगर हैट्रिक पूरा करते तो ये करिश्माई वाला प्रदर्शन होगा नो डाउट। 40 प्लस खिलाड़ी, लेकिन आप देख सकते हैं जो जज्बा है, जो इंस्पिरेशन यंगस्टर लोग के लिए एक अच्छा यहां पर एग्जांपल सेट करते हुए शशि तांडेल, किस प्रकार की बॉलिंग करनी चाहिए चार ओवर के नियमित ओवर्स वाले मैचों में, केवल चार ओवर का मैच और हर एक मैच में एक या दो विकेट लेकर जा ही रहे हर बार। स्कोर हुआ है 22, स्ट्राइक पे चिराग वैती, हैट्रिक हैट्रिक, एक बार जोरदार तालियां, 716 प्रीमियर लीग सीजन 1 में एक ही बॉलर ने 40 प्लस खिलाड़ी ने दूसरी बार हैट्रिक पूरी की है, हैट्स ऑफ, अभिनंदन, टेक अ बाउ, बिल्कुल शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए शेर शेर होता है, लेजेंड हमेशा लेजेंड रहते हैं और सभी यहां पर इस्तेमाल करते हुए तारीफ करते हुए दूसरी बार यह हैट्रिक पूरी हुई एक ही खिलाड़ी के द्वारा, जो बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं कर पाए 716 के इस प्रतियोगिता में वह करके दिखाया है 40 प्लस खिलाड़ी यहां पर शशि तांडेल ने, जबरदस्त बॉलिंग, अद्भुत, अवशिष्णीय। चिराग आउट हुए और अब नए बल्लेबाज आए हैं बैटिंग करने, 22 के स्कोर पर
ये लगता हुआ एक और विकेट। वह बहुत तांडे लाए हैं नए बल्लेबाज अंडर 16 खिलाड़ी, मेरे ख्याल से सबसे कम उम्र के खिलाड़ी अब तक बैटिंग करने उतरे इस प्रतियोगिता में। सामने दिग्गज खिलाड़ी बॉलिंग मार्क पर, ओहो एक और अच्छी गेंद। इस ओवर में बात करें तो चार गेंदें फेंकी जिसमें से तीन गेंदें तीन विकेट और एक डॉट बॉल, अब तक हैट्रिक देखने को मिला है। मेडन ओवर क्या फेंकने में कामयाब होंगे देखना काफी महत्वपूर्ण। दो ही गेंद शेष है। इस टीम का खासियत यह है कि बड़े बड़े खिलाड़ी बड़े मंच पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले उदय तांडे का बल्ला चलता नजर आया, फिर नीरज राव सर का ऑलराउंडर प्रदर्शन, विराट का हर मैच में अच्छा प्रदर्शन। रन नहीं लिया गया, रन नहीं लिया गया, यानी ये भी डॉट बॉल है। चलिए इसी बीच हैट्रिक के लिए पुरस्कार आ चुका है गांव देवी दरावा की कैप्टन, और साथ में मेडल ओवर एक बार जोरदार तालियां। मेडल ओवर फेंकने वाले पहले बॉलर शशि तांडेल एसपीएल सीजन वन के। उम्र एक सिर्फ नंबर होता है, टैलेंट है आपके पास तो उम्र मैटर नहीं करता। तो तीन ओवर के खेल के बाद टीम का चार ओवर के इनिंग की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 22-23 का टारगेट। तो ये मुकाबला जीत लिया यहाँ पर टीम फील्डिंग है। चलिए मैच समाप्त हुआ और 200 रुपए का इनाम आया है राजेश जी भोईर जो हमारे दरावे 40 प्लस के कप्तान है, उनकी तरफ से शशि तांडेल की हैट्रिक और मिडन ओवर के लिए 200 रुपए का इनाम आया। कौन कैसे लीड लगता है? लीडिंग विकेट टेकर लीडिंग